शिवपुराण में लिखा है कि शंकर जी की पिंडी में सभी देवताओं का वास है, आप अपने मंदिर में बहुत भगवान रखे हो, नित्य उनको स्नान कराते हो, चंदन लगाते हो, रोली मोली ये सब करते हो, किसी कारणवश आपको कहीं जल्दी में जाना हो रहा है और आपका मंदिर भगवान से भरा हुआ है, सबको आप नहीं नहला सकते, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो शिव महापुराण में वर्णन है कि भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर एक लुटिया पानी चढ़ा दो, संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाएगी, आपका नियम पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप शिव के पुजारी हैं सज्जन भाई, आप शिव के पुजारी हैं, एक बार जयकारा लगाइए, बोले शंकर भगवान की जय। आप महादेव के पुजारी हैं और पिंडी पर रोजाना आप जल चढ़ाते हैं, कहीं आप बाहर गए हैं आपको कहीं शंकर जी की पिंडी दिखाई नहीं देती है, तो अंगूठे को शिव मुद्रा बनाया जाता है, ऐसे दो उंगलियों के बीच में अंगुष्ठ ऐसे निकालें और एक लोटा पानी ऊपर से चढ़ा दें, नियम वही पूरा होगा जो मंदिर में भगवान शंकर के ऊपर एक लुटिया जल चढ़ा करके जिस नियम को आप पूरा करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि रोज अंगूठे के ऊपर ही चढ़ाते रहे, ये तब है जब भगवान शंकर की पिंडी का भाव है, कहीं आपको मंदिर दिख नहीं रहा है, उस समय इस प्रकार से इस नियम की पूर्ति होती है। मेरे आग्रह और आवाहन पर आप थोड़ा सा अपने घर में शिव को स्थापित करके उनका पूजन करके थोड़ा आनंद लेने की कोशिश तो कीजिए, आनंद ही आनंद हो जाएगा। माथे पर तिलक त्रिपुंड लगाने वाले लोगों के लिए यमराज ने कहा है कि यदि किसी ने अपराध भी किया है, रुद्राक्ष तुलसी कंठ में पहनता है, माथे पर चंद्र भस्म तिलक लगाता है, 11 शिवरात्रि का व्रत करता है, यदि उससे अपराध भी हो गया हो तो उस शिव और नारायण के भक्त को प्रणाम करके चले आना, मेरे यहां उसको बिल्कुल लाने की जरूरत नहीं। कितने भी आप पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, सजग और समझदार हैं, सब कुछ है, यदि भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, आराधना पूजा और साधना नहीं है, तो यह लोक परलोक सब बिगड़ जाएंगे। बेटियों को बेटों को बहुत धार्मिक होना चाहिए। राजमहल में माता जानकी पली है, खेतों में जिसका जन्म हुआ है, राजघराने में उसका लालन पालन हुआ है, चाहे रुक्मिणी को देखिए, सीता माई को देखिए, ये राजे महाराजाओं के घर में जन्म हुआ है, लेकिन यह भी नित्य शिव पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, गणेश पूजा, ये सब पूजा करती है। आखिर में तो कोई बात होगी, जब इनके द्वारा यह पूजा यह पूजन किया गया है, ईश्वरीय सत्ता के बिना जीवन खुशहाल नहीं हो सकता। भोर में प्रातः जाग करके जीवन का ही आनंद लीजिए। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सालों से भोर नहीं देखा होगा, उनको पता ही नहीं है कि प्रातः की उषा वेला उगता हुआ भगवान भास्कर सूर्य नारायण, सुबह गिरती हुई ओस, हरी घास के ऊपर पड़ी हुई ओस की बूंदें 1000 बीमारियों को खत्म करती हैं, शरीर को मोटापा नहीं बढ़ने देगी, शरीर की चर्बी कम हो जाएगी, थायराइड कम हो जाएगा। ये ओस का कुछ चीजें हैं जिसको मैं बहुत जोड़ देता हूं, हल्दी, सौंठ, मेथी, लौकी, लौकी जानते हैं आप, घिया, 1000 बीमारियों को दूर करती है, थायराइड को ये जड़ से खत्म करती है, ब्लड प्रेशर को खत्म करती है, एलर्जी को खत्म करती है, ये लीवर किडनी को मजबूत करती है, मूत्र रोग कितने भी हों, कितने भी प्रकार के हों, घिया का रस उसको जड़ से खत्म कर देता है। थायराइड के लिए तो ये वरदान साबित होता है, डायबिटीज में वरदान है, ये शरीर का वजन नहीं बढ़ने दे, घिया तो हर दूसरे तीसरे दिन इसका रस या उबली हुई घिया, ये तो सबको ही लेना चाहिए।
ये साधारण सी चीजें हैं, ये सब कुछ होते हुए और लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। हरी घास के ऊपर पड़ी ही वो सोनीपत के किसी मोहल्ला गलियारे में देख लें, कहीं कोई बाग बगीचा हो, उसमें सुबह घूमने के लिए चले जाया करो। ऐसे ओस ही तो है कि ठंड में भी जो नुकसान नहीं पहुंचाती। मार्बल पर कभी मत घूमिएगा, इससे मधुमेह बढ़ेगा। यदि आपके घर में बढ़िया मार्बल लगा हुआ है तो जुराब पहन करके चलिए। मैंने पूर्व में माताओं को बोला है कि जब अपने घर में आप पोंछा लगाती हैं तो उसमें आप सैधा नमक डालिए। सैधा नमक ऐसा है जो डायबिटीज को कम क्या खत्म ही करता है। जब आप पैदल घूमते हैं उस फर्श के ऊपर, तो उसके ऊपर सैधा नमक का पोंछा लगा हुआ है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, भोर में प्रातः है जल्दी जागिए, भले ही कोई काम नहीं तो भी सुबह थोड़ा बैठिए, घूमिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अच्छी सी चीजें पढ़िए, संगीत।